लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जातीय गणना के आंकड़े ने राजनीतिक तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जातीय गणना 2024 चुनाव का एजेंडा होगा, पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए। इधर बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए रोजगार को लेकर लालू नीतीश पर निशाना साधा है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देके इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं, इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया, और उसके बाद जरूर अपना बयान दे। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया, जिसमें करना ही चाहिए। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।